अपने भक्त अपने प्रचारक को उपदेशक को जब लंका भेजा कि जाओ साकार का प्रचार कराओ बता दो, क्योंकि मतलब नहीं वो ब्राह्मणों की नगरी की राज राक्षस नगरी हो गई, खान पान खराब हो गया, इससे कर्म और विचार सब खराब हो गए, जाओ मेरा संदेश सुना क्या। जब हनुमान जी गए सुनाने तो उन्होंने तीन रूप बना लिया, एक छोटा सा उपदेशक भक्त राम का काल शक्ति का, उसने तीन रूप बना लिया, सूक्ष्म रूप धर सियाई दिखावा और विकट रूप धर लंक झरावा और भीम रूप धर असुर संहारे और रामचंद्र के काल। अपने गुरु अपने इष्ट आराध्य राम के काम को करने के लिए आदेश पालन के लिए उसने लंका में तीन रूप। जब काल शक्ति का छोटा सा दूत तीन रूप बना सकता तो दयाल शक्ति का वक्त कौन सा रूप नहीं बना, क्या नहीं कर सकता। अरे कराने वाला होना चाहिए, जब कराने वाला समर्थ है तो सबसे बाबा जी ने काम है तो मुर्दों से भी काम करा दो। ये दीवाने और पेड़ बोलेंगे जय गुरु, क्या इस बात को लोग समझ पाए सारे। और सब में लिखवा दिया गया, लोग पढ़ते थे तो चिल्लाते थे, यही बोलना है पेड़ों का, यही बोलना दीवारों का कि तुम पढ़ोगे तुम बोलोगे। और धीरे 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 इतने अल्प समय में थोड़े समय में प्रचार नाम का किसी ने नहीं कहा, भगवान राम के नाम का प्रचार लखों बरस। और दक्षिण भारत में अब भी नहीं राम की पूजा हो, अभी रावण की पूजा करते हो, कहते हो मेरा विद्वान है मेरा ब्राह्मण विद्वान, वो अपने ब्राह्मण विद्वान की पूजा करते हैं राम की नहीं करते। क्यों? उन्होंने इनको हत्यारा कहा, इन्होंने बहुत हत्या किया। कहते कि एक आदमी अगर कोई मार दे तो हत्या का आरोप लग जाता है, लोग उसके हाथ का भोजन पानी नहीं लेते, कहते अशुद्ध है उसको देखते नहीं, ये तो हत्यारा का मुंह नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारे यहाँ हत्यारे की पूजा हो रही, क्या समझे? ये संत मत के सिवा और सच्चा रास्ता सच्चा ज्ञान कोई करा ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राम कृष्ण दो जग में आए काल धरे अवतार और संत मता इन्हू नहीं जानो और रहे काल के गार तासे त्यागो कृष्ण द्वार। कल इनके दरवाजे को त्याग कर, यहां तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं होगा। कितना भेद खोला, सारे युगों का सारी शक्तियों का भेद खोल दिया, जानकारी दे दी कि ये शक्तियां किस काम के लिए आई और काम करके गई, लेकिन जीवात्मा को उद्धार किसी शक्ति ने नहीं किया। वो तो जब रामी धाम से कोई महापुरुष आएंगे वो काम करेंगे, उनके द्वारा जीवात्माओं का उद्धार कल्याण हो जाएगा, फिर वापिस मृत्युलोक मंडल पर कभी नहीं। ये सब जानकारी आपको दी गई 10 जुलाई 1952 से 2012, और आप भूल गए तो दोबारा ये फिर आपको याद कराया जा रहा है। ये 10 वर्षों से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने ये सब जानकारी दी है, एक एक वचन को कितनी बार दोहराया आज भी दोहरा रहा है। क्यों दोहराया जा रहा है? जब तक याद नहीं होगा पाठ तब तक दूसरा पाठ नहीं पढ़ाया जाए। अभी आपको नहीं याद है, केवल दो बात दो ही तो दो बिंदु है सत्संग की। ये शरीर किराए का मकान है और शरीर रहते अपना काम बना लो, इसके अलावा और सत्संग है ही क्या? अभी दो बिंदुओं को समझने के लिए कितना प्रयास, कितने दृष्टांत, कितने उदाहरण ये सब दे दे करके, यानी सत्संग कितना बड़ा हो जाता कि किसी तरह से जीव को ये समझ में आ जाए ये हमारा शरीर नहीं है, ये किराए भाड़े पर हमको मिला, तो हम इससे जितनी जल्दी हो सके अपना काम बना लें। अब अपना काम क्या यही आप नहीं जानते? जो आप जहाँ फंसे हो कर रहे हो उसी को अपना मान लो, ये तुम्हारा है।
अरे ये तुम्हारे पहले भी किसी का नहीं था, तुम्हारे परिवार में गांव मोहल्ले में कितने आए कितने चले गए, कोई कुछ लेके गया, अगर ये होता तो साथ में जरूर ले जाए, जब वो नहीं ले गए तो तुम कैसे ले जाओ। तुम्हें अपने पिछले पूर्वजों से अपनी जानकारी ले लेनी चाहिए, यानी भूतकाल से वर्तमान की जानकारी हो जाती, और वर्तमान में जानकारी ले लो और वर्तमान में अपना बना लो, उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा, भविष्य से अच्छा नहीं होगा। अगर भूतकाल को समझा नहीं और वर्तमान में बनाया नहीं तो भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा, कभी भी। और ये दोनों बातें आप भूल जाते हैं, ना भूतकाल को याद करते हो न वर्तमान में कुछ बनाते हो, तो भविष्य कहते हो अच्छा तो कैसे अच्छा होगा, बिना करने के तो अच्छा हो नहीं जाएगा। इतनी बड़ी जानकारी महापुरुषों ने दी, अरे भाई अपने पहले जो तुम्हारे पहले आए कितने चले गए, वो जब कुछ नहीं ले गए तो इससे पता चलता अगर उनका होता तो जरूर ले जाए, तो शरीर उनका भी नहीं था, सामान उनका भी नहीं था, जमीन दुकान मकान उनका भी नहीं था, पति पत्नी बाल बच्चे भाई बंधु बिरादर उनके भी नहीं थे, अगर होते तो ये सब साथ में जाते, न उन्होंने इसको साथी तुमको माना और तुमने साथी बनाया तो धोखा खा गया। महापुरुषों ने स्पष्ट जानकारी दी है कि किसी तरह से जीव जागता रहे, सो न जाए, भ्रमित न हो जाए, बहक न जाए, उन्होंने पूरी जानकारी दी रिश्तों की, ये रिश्ते कहाँ तक तुम्हारे सहयोगी, कि देरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। ये स्थिति है कि सब मरघट तक आंसू गिरा के वापिस लौटाएंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, ये आपका धोखा है। जो बराती संगाती साथी बनाए कोई नहीं था, क्योंकि आप माँ के गर्भ से अकेले आए, नंगे आए थे, आने के जो स्थिति है वही जाने की, और यहाँ से अकेले नंगे ही शरीर तक, बस इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो फसला क्या, पूरे शरीर फिर कहाँ को फसला, लेकिन बात समझ में आ जाए तब पढ़ने लिखने से काम नहीं बनेगा, वो करने कराने से काम, कराने वाला मिल जाए और करने वाला करने को तैयार हो जाए, फिर काम के होने में कितनी देर लगेगी। तो इसलिए ये जो भी आपको सुनाया जा रहा या सुनाया गया या सुनाया जाता रहेगा, ये सब आपके लाभ की, किसी तरह से परमार्थी आत्मिक लाभ पाने के आप अधिकारी बने, वो अधिकार आपको दिलाया जाए, लेकिन आप बात ही नहीं समझ पाते हो, कितने आए चले गए देखा, यहाँ भी करोड़ों आए चले गए और करोड़ों आएंगे चले जाएंगे, इसमें तो वही बच पाएगा जहाँ पर दया वही संत, और दया कब होगी जब उनके हुक्म आदेश का पालन करो, उनके बचनों का आधार बना के अपना जीवन निकालो, तो आप दया के पात्र बन जाओ, तब आप दया के पात्र बनो, पात्रों पात्रता ये दोनों चाहिए तब कोई काम होता, अगर बर्तन है और पात्रता माने शुद्ध नहीं तो वस्तु अगर डाल दो तो वस्तु खराब हो जाएगी और बर्तन भी खराब हो जाए। इतने बहुत सोच समझ कर यहाँ तुम सोच समझ के चलना, हो जलधार बहेत गहरी गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलना, और सागर की धार बड़ी गहरी, जो नाम नौका लेके आए वो उसको अगर उसके साथ जुड़ जाओ तो वो नाम नौका बिठा के आप चले, इसलिए जो संत आए नाम नौका लेके ऐसे नहीं आए, जब कबीरदास आए तो साहब नाम जगाया,
और शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम और गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम लगाया और बाबा जी